जय हिंद, आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस अचीवर्स पर। तो चलिए इस वीडियो में आपको हम कुछ अनुच्छेद के बारे में बताएंगे, ठीक है, जिसमें कि लगभग 95 या 100 अनुच्छेद होगा। चलिए, और सारा कुछ प्रीवियस है, जितना अनुच्छेद है सारा प्रीवियस पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार जरूर देखिएगा पूरा, उसके बाद फिर अगला वीडियो आपको जितना बचा हुआ है फिर अगला एक वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दिया गया है, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं 5 नंबर से कहा था कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। संविधान जब पारित हो गया था अंतिम रूप से, तो उस समय अनुच्छेद और अनुसूचियाँ कितनी थी, आप भी कमेंट में आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसमें आंसर हो जाएगा 95 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, और वर्तमान में 470 प्लस अनुच्छेद हो गया है, और लगभग 12 अनुसूची और 470 प्लस हो गया अनुच्छेद वर्तमान में, ठीक है। 470 प्लस अनुच्छेद हो चुका है। चलिए उसके बाद आइए 6 नंबर में कहता है, 6 नंबर में कहता है कि नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के जो कमजोर वर्ग है उसको आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद उत्तरदायी है, ठीक है। इसमें बताना है कि कमजोर वर्ग के लिए जो आरक्षण दिया जाता है उसमें किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो आप सबको पता होगा। चलिए इसका आंसर कमेंट करिएगा। चलिए बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16, ठीक है। अनुच्छेद 16 में ही वर्णन है लोक नियोजन का, ठीक है। और अनुच्छेद 14 में है, अनुच्छेद 14 में है आपको पता होगा, 14 में अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अनुच्छेद 18 में, और अनुच्छेद 23 में है कि इसमें बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जैसे में कोई बेगारी कराता है या फिर जबरदस्ती काम करवाया जाता है, उसमें अनुच्छेद काम करता है कौन, अनुच्छेद 23, ठीक है। उसमें कौन सा अनुच्छेद लगता है, आपको जब बलजबरी खटाया जाएगा, बेगारी करना, ठीक है, काम करवा कर पैसा नहीं दिया जाता है, कम दिया जाएगा, उसी को बेगारी कहते हैं, तो अनुच्छेद हो जाएगा ये 23 में, ठीक है। और कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराना अनुच्छेद 16, होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए आइए 7 नंबर में कहा था कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगत सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है अनुच्छेद 75, और अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल, अनुच्छेद 75 में क्या चीज़ है, अनुच्छेद 75 में ये प्रधानमंत्री, ठीक है, और मंत्रिमंडल अनुच्छेद 74 हो जाएगा इसका। चलिए इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74 यानी आंसर बी हो जाएगा, यानी संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगत रूप सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, अनुच्छेद 74 इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर में कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है, ठीक है। यानी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो करता है वो किस अनुच्छेद के तहत, तो आपको पता होगा अनुच्छेद 75 हो जाएगा। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में किया जाता है, ठीक है। दल बदल कानून 110, दल बदल कानून कौन सा है, 110 हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं 9 नंबर कि भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्म श्री की उपाधि जो दिया जाता है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की गई है, ठीक है। हम बता दिए थे कि भारत रत्न तथा पद्म श्री की उपाधियाँ संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है, तो अनुच्छेद 18 हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 18 होगा, क्योंकि हम बताए थे उपाधियों का अंत कौन में है, तो अनुच्छेद 18 में। कोई भी अगर व्यक्ति कोई देश अगर उस व्यक्ति को उपाधि देना चाह रहा है, तो वो व्यक्ति को राष्ट्रपति से आदेश लेना होगा, तब उसको उपाधि प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए इसी के बारे में अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। चलिए आइए क्वेश्चन 10 कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, ये जान लीजिए। हाँ, इसमें संघ कहा गया है, परिसंघ कहा गया है, या फिर परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ किया गया, या फिर राज्यों का संघ कहा गया है, तो इसमें बताना होगा कि संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को कहा गया राज्यों का संघ। क्या कहा गया है, 1 के अंतर्गत राज्यों का संघ कहा गया है। और अनुच्छेद 2 में अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि अगर कोई देश भारत में मिलना चाहता है तो उसको मिला सकता है, ठीक है, अनुच्छेद 2 में। और अनुच्छेद 3 में कहा गया कि अगर सरकार चाहे तो अपने देश के अंदर राज को तोड़ सकता है, जोड़ सकता है, नाम बना सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है, कुछ भी कर सकता है, तोड़फोड़ कर सकता है। जैसे तेलंगाना अलग हुआ, आंध्र प्रदेश है, उसी प्रकार से किसी को अलग और मिला सकता है, अनुच्छेद 4 में। और अनुच्छेद 5 कहता है, अनुच्छेद 3 में वो कहा अपने देश के अंदर तोड़फोड़ कर सकता है। और अनुच्छेद 4 में कहता है कि अगर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 लागू हो तो उसमें राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता, अनुच्छेद 4 कहता है, ठीक है। चलिए सब ध्यान में रखिएगा। आइए आगे 11 में, 11 कहता है कि संविधान के किस धारा के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया है, ठीक है, छुआछूत को समाप्त किया गया, तो हम बताए थे अनुच्छेद 17 में छुआछूत और अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो छुआछूत का अंत जो होगा वो कौन होगा, अनुच्छेद 17 हो जाएगा, अनुच्छेद 17 हो जाएगा। चलिए, और अनुच्छेद 18 में लोक बताए थे उपाधियों का अंत, और अनुच्छेद 16 में बताए थे लोक नियोजन, और अनुच्छेद 19 में बहुत सारा है, ठीक है, 19 में बहुत सारा पढ़ने का जिसमें अनुच्छेद 19 में किया गया है। देखिए इसमें अनुच्छेद 19(1) में किया गया कि बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, उसी में किया गया है अनुच्छेद 19 में। और अनुच्छेद 19(1) में किया गया है, ठीक है, ये सब। और अनुच्छेद 19(b) में कहा गया है कि शांतिपूर्वक बिना हथियार के आप सभा बना सकते हैं, अनुच्छेद 2 में कहा गया। और सी में कहा गया कि संघ बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(c) में कहा गया कि संघ बना सकते हैं आप, संघ बनाने की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19(c) के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 19(d) के अंतर्गत आपको भ्रमण करने का अधिकार है, कहीं भी आप भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। और अनुच्छेद 19(e) के अंतर्गत आपको बसने का अधिकार है, आप कहीं भी बस सकते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 19(g) के अंतर्गत व्यापार करने का अधिकार है, अनुच्छेद 19(g) के अंतर्गत व्यापार करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 19(f) के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, आपको पता होगा अनुच्छेद 19(f) में संपत्ति का अधिकार था, जिसको 44वां संविधान संशोधन के द्वारा उसे हटा दिया गया है, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 के तहत उसको हटा दिया गया है, और इसे कानूनी के अधिकार बनाकर, संपत्ति के अधिकार को कानूनी के अधिकार बनाकर इसे 300(1) में जोड़ दिया गया है। इसलिए किया गया है क्योंकि अगर कहीं रोड बनाना था, या रेलवे लाइन बिछाना था, या फिर कुछ सरकारी कारोबार के लिए इसमें भूमि जिसका रहता था उसको देने में बहुत तकलीफ होता था, भूमि नहीं देता था, इसलिए भूमि को क्या किया, ये इसको संपत्ति के अधिकार, ठीक है, संपत्ति के जो था उसको कानूनी के अधिकार में बना दिया, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति जो था उसको बना दिया कानूनी का अधिकार, बना दिया है कि आपको सरकार किसी भी टाइम आपका जमीन ले सकता है पैसा देकर, ठीक है, ये व्यवस्था किया गया है। चलिए तो चल रहे थे, हाँ, छुआछूत में चले थे। चलिए उसके बाद आइए देखते हैं 12 निम्नलिखित में, इसका आंसर हो जाएगा 17, अनुच्छेद 17। चलिए आइए 12 में, कहता है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप से वो अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है, किसी भी रूप से अस्पृश्यता के निषेध का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 17 बता दिए थे, ठीक है। और इसमें ये जाति, धर्म, लिंग आधार के भेदभाव पर, जाति, धर्म, नस्ल, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15 का आता है, ठीक है, अनुच्छेद 15 का आता है। इसमें परिभाषा दिया गया है, राज्यों का परिभाषा दिया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 14 में। चलिए उसके बाद आइए क्वेश्चन 13 कहता कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं, वर्तमान में कह रहा है कुल कितने अनुच्छेद और कुल कितने अनुसूचियाँ हैं, तो आपको पता होगा 12 अनुसूची फिक्स है, लेकिन 470 प्लस अनुच्छेद हो गया है, ठीक है, 443 मायने नहीं रखता, ठीक है। अभी अनुच्छेद ये नहीं पूछेगा, सटीक नहीं है अभी कितना अनुच्छेद है, सटीक नहीं है, 470 प्लस हो गया है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, आपको भी आराम होगा देखने में। चलिए आइए क्वेश्चन 14 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था किया गया। अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है इसमें बताना है, तो आपको अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 29 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 29 में किया गया, अल्पसंख्यक के हितों के बारे में व्यवस्था किया गया है। चलिए अनुच्छेद 29 में क्या, और चलिए और अनुच्छेद 32 में कहता है, अनुच्छेद 32 में कहा गया है, ठीक है, अनुच्छेद 32 में कहता है कि इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार को प्रतिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में आपको पता होगा उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं आप। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चलिए हो जाएगा अनुच्छेद, इसका अनुच्छेद 29 होगा आंसर, लेकिन इसका ये बता देते अनुच्छेद 32। आप 32 के तहत आपको पता होगा कि उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जो जारी करता है, वो रीट जारी करता है, 5 प्रकार का रीट जारी करता है, अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहे थे, ठीक है, संविधान का आत्मा वही कहे थे। चलिए आगे चलते हैं, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 का आता है, सॉरी अनुच्छेद बोल देते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 का था कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। ठीक है, नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा जो करता है उसमें बताना है कौन सा अनुच्छेद करता है, तो हम बताए थे अनुच्छेद 32 करता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 करता है, अनुच्छेद 32। और ये अनुच्छेद 61 जो है इस पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं, अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, कोई भी उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से आपको किसी एक से पारित करना होगा। एक ग्रुप डिस्कशन में सारा करवाया हुआ वीडियो बहुत सारा पड़ा हुआ है। चलिए अनुच्छेद 74 में आपको पता होगा मंत्रिमंडल है, अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल है। चलिए अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल है, आपको पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे का आता है, चलिए देखिए आगे 16 नंबर क्वेश्चन का आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। ठीक है, नागरिकता संबंधित प्रावधान किसमें है, नागरिकता संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस, ये कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक किया गया है, ये देखना है आपको। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक किया गया है ये देखिएगा। चलिए इसका आंसर बताएगा, 16 का आंसर क्या हो जाएगा, 16 का आंसर होगा 5 से 11, 5 से 11, 5 से 11, 5 से 11 और भाग 2। ठीक है, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 हो जाएगा। ठीक है, 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 आप सभी को पता होगा, अनुच्छेद 5 से 11 है। चलिए ये सब ग्रुप डिस्कशन में कराया हुआ है, सारा करवाया हुआ है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, सारा करवाया हुआ है क्वेश्चन बहुत। अभी फिलहाल ग्रुप डिस्कशन बंद है, हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। चलिए उसके बाद आइए हो जाएगा 5 से 11। ठीक है, और 1 से 5 तक आपको पता होगा, 1 से 4 तक, 1 से 4 के अंतर्गत है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र जो भाग 1 में पड़ता है। और 12 से 35, 12 से 35 मौलिक अधिकार है, 12 से 35 मौलिक अधिकार भाग 3, मौलिक अधिकार भाग 3। और 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व भाग 4, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 17 में। 17 में कहता है कि, 17 में कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार, नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, इसमें बताना है। ठीक है, इसमें बताना है 17 नंबर में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, तो अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, 12 से 35 तक ये सब बता दिए, 12 से 35 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, और इसमें कोई सटीक नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें कोई सटीक अनुच्छेद नहीं दिया हुआ, एगो 5 से 11 दिया गया जो नागरिकता हम बता दिए थे। चलिए उसके बाद 18 में चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, तो आपको पता होगा ये सब अनुच्छेद हो जाएगा। ठीक है, इसमें पता होगा अनुच्छेद 1 होगा। ठीक है, इसमें अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आगे चलिएगा तो बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये नॉर्मल एकागो मिल जाएगा आपको, लेकिन बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन देखिए, सारा प्रीवियस क्वेश्चन है, इसमें सारा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा एसएससी, बीपीएससी, जीआईसी, ठीक है, सारा क्वेश्चन पूछा गया, आईएएस तक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ठीक है, देख लीजिएगा मिलेगा। 19 में कहा था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख हम बता दिए थे 36 से 51 है, 36 से 51 हो जाएगा, 36 से 51 हो जाएगा। चलिए, और इसमें कुछ नहीं है, 36 से 51 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 20 में आ जाइए। 20 में कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में वर्णित है। कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में जो अंकित है या वर्णन है वो किस अनुच्छेद में होगा, इसमें बताना होगा, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा। चलिए इसमें बता देते हैं अनुच्छेद इसका आंसर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है, 20 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में किया गया, अनुच्छेद 39 में किया गया है। चलिए कहता कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 में किया गया। चलिए आगे चलते हैं, इसमें अनुच्छेद 39 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिएगा आगे, और इसमें एक बच गया है, ठीक है, 49, ये 49 देख लीजिए, 49 अनुच्छेद 49 जो कहता है, अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय महल या स्मारकों के या फिर स्थान या वस्तुओं का संरक्षण करना, ठीक है, राष्ट्रीय स्मारक या फिर राष्ट्रीय स्मारक या फिर कोई राष्ट्रीय स्मारक कहने का मतलब जैसे कोई भी उठा लीजिए, राष्ट्रीय स्मारक जैसे राष्ट्रीय स्मारक या फिर स्थल, राष्ट्रीय स्थल जैसे घूमने फिरने का राष्ट्रीय स्थल है, ये सब का या फिर वस्तुओं कोई भी उसका संरक्षण का जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 49 में किया गया, ठीक है, अनुच्छेद 49 में ही मिलता है इसका। चलिए, और ये अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति या सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 में किया गया। चलिए आगे चलते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद अनुच्छेद 39 आंसर बी। देखिए क्वेश्चन सारा पूछा गया। चलिए आगे कहता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं। कहता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति जो लेते हैं, इसमें पता होगा राष्ट्रपति जो लेते हैं वो लेते हैं 143 के अंतर्गत, ठीक है, 143 के अंतर्गत लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति परामर्श लेते हैं, तो अनुच्छेद 343 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 22, कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देशन देता है। तो आपको पता होगा ग्राम पंचायत से एक ही अनुच्छेद एगो संबंधित है, वो भी अनुच्छेद संबंधित है, वो अनुच्छेद 40, ठीक है, अनुच्छेद 40 संबंधित है, 73वां संविधान संशोधन उसी से संबंधित है, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया था, उसी से संबंधित है, पंचायत से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं, 42 कहता है कि 23वां क्वेश्चन कहता है कि 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। कहता है कि 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, तो आपको पता होगा किस में जोड़ा गया है, ये बताइएगा। मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया है वो अनुच्छेद 51 के 1 में जोड़ा गया है, ठीक है, 51 के 1 में ही जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन के तहत 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, ठीक है, और 44वां संविधान संशोधन जो किया गया था 1978 में किया गया था, और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत अनुच्छेद 51 के 1 जोड़ा गया है। चलिए आइए 24 में, कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो आपको पता होगा, इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 123 हो जाएगा, और अनुच्छेद 110 से दल बदल कानून से संबंधित, और अनुच्छेद 124 में क्या चीज़ है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। और उच्च न्यायालय हो जाएगा 214 उच्च न्यायालय। चलिए सब देख लिए, आगे चलते हैं 25 में। कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाए जाने की प्रावधान किया गया है? ठीक है, कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाने की प्रावधान किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उस पर महाभियोग लगाना है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाएंगे? वो हो जाएंगे, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 26 का आता है। 26 का आता है कि भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। तो आपको पता होगा किसमें? अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता, 26 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19(1) में, ठीक है, प्रेस का स्वतंत्रता इसी में वर्णन है। चलिए 27 में कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो आपको पता होगा अनुच्छेद 19(1) में दिया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 21(1) में आपको पता होगा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाना अनिवार्य है, ठीक है। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। चलिए ये सब बताया गया है, ठीक है। चलिए ये सब बता दिए थे। ग्रुप डिस्कशन में आप लोग जुड़िए, लेकिन अभी फ़िलहाल तो बंद है, ठीक है। जब चालू होगा तो आप चैनल पर बन जाइए, सब्सक्राइब करिए, उसके बाद आपको जब चालू होगा ग्रुप डिस्कशन, वहाँ आपको डेली ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। चलिए, और अनुच्छेद 25 में कहता है, अनुच्छेद 25 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, ठीक है, और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 25 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 25 यही कहता है। चलिए इसमें सारा अनुच्छेद देख लिए। चलिए आइए 28 में कहता है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ठीक है, बच्चों के शोषण से संबंधित है, कौन सा है? तो आपको पता होगा, बताए थे अनुच्छेद 24, ठीक है, अनुच्छेद 24 है। ये सब बताया गया है, सारा अनुच्छेद बता दिए थे, अनुच्छेद 24 हो जाएगा। चलिए 29 में कहता है, 29 में कहता है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आवर्धक होगी, ठीक है, सभी न्यायालय पर लागू होगी, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताएगा कि संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जो यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आवर्धक होगी, ठीक है। ये दूसरा कुछ लिखने का तरीका है। चलिए देखिएगा, इसका 29 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 141, ठीक है, अनुच्छेद 141। चलिए आइए 30 में कहा था कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? आपको पता होगा अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। मंत्रिमंडल 75। चलिए आइए 31 में कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? आपको पता होगा उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस में है? 53 में, राष्ट्रपति 52 में, ठीक है। चलिए ये सब बताया गया है। आइए 32 में कहता है सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पूर्वालोकन कर सकता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय अपने जो सर्वोच्च न्यायालय सुना दिया है जो चीज़, उसको उस पर निर्णय या फिर उसका आदेश पूर्वालोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो बताना है अनुच्छेद। इसका कौन सा अनुच्छेद होगा? 32 का आंसर, 32 का बताइएगा। 32 का हो जाएगा अनुच्छेद 137 के अंतर्गत आप वो आदेश लेकर वो निर्णय ले सकता है। ठीक है, हाँ, सर्वोच्च न्यायालय जो सुनवाई द्वारा जो सुनाई किए गए थे, ठीक है, किसी निर्णय या आदेश का उस पर पूर्वालोकन कर सकता है अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। चलिए आगे देख लेते हैं। 33 नंबर कहता है कि राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किसी अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। कहता है कि राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद जो है उन राज्यों के लिए किसी अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। बताएगा कौन सा इसमें अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बनाएगा, बताएगा। 33 का हो जाएगा इसका, बताएगा। 33 के हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। ठीक है, 252 के अंतर्गत लगा, ठीक है, 252 के अंतर्गत वो बना सकता है, कानून बना सकता है। चलिए आइए आगे। 34 में कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राजसूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। ठीक है, विधान। कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद की राजसूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। ठीक है, विधान बनाने की शक्ति जो देता है वो अनुच्छेद, इसका बताएगा अनुच्छेद हो जाएगा 239, अनुच्छेद 239 के तहत। ठीक है, कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राजसूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है, तो अनुच्छेद 249। ठीक है, अनुच्छेद 249 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे बताना है। 35 में कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है। कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है। ठीक है, सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है, इसमें बताना अनुच्छेद कौन हो जाएगा। अनुच्छेद इसका हो जाएगा 311, अनुच्छेद 311 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दरोगा का लेवल का ये क्वेश्चन, बीपीएससी तक का लेवल का ये क्वेश्चन है। चलिए आगे आइए। 36 में कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकता है। कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकता है, अनुच्छेद 312 के तहत। चलिए देखिए बिहार पुलिस का क्वेश्चन है। कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, तो आपको पता होगा संसद के संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है आपको पता होगा अनुच्छेद 108 में, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में किया गया है। ठीक, इसमें बैठक राष्ट्रपति बुलाता है लेकिन वो बैठक नहीं करता, इसमें बुला देता है खाली। चलिए 110 में दल बदल कानून है, पता होगा। चलिए आइए। 38 में कहता है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो किस में किया गया है, तो यही इसका भी आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, 38 का भी आंसर हो जाएगा बी, 108, संयुक्त अधिवेशन 108 में। चलिए इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। आइए 39 में कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। हाँ, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को निर्देशन देता है, वो अनुच्छेद कितना से 256 के तहत जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देशन देता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 40 का आता है कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन के बारे में जो प्रावधान किया गया है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, 40 का बताना है आपको। 40 का अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 263 के अंतर्गत। चलिए आइए 41 में, 41 का आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक, आपको पता होगा धन विधेयक 110, वित्त विधेयक 111 है शायद, ठीक है 112 की 111 है। चलिए उसके बाद देख लीजिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधेयक धन विधेयक है, तो 110 के अंतर्गत धन विधेयक है। चलिए आइए 42 में कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है, भारत के संचित कोष से जो संबंधित है इसमें बताना होगा 42 का बताना होगा। कहता है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है, तो अनुच्छेद 112 या फिर 29 ये भी है, अनुच्छेद 148 भी है, 148 के 6 भी है, और अनुच्छेद 146 3, यानी इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, भारत का कौन सा अनुच्छेद, कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है, तो इसमें सारा आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 43 का आता है कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है कौन सा अनुच्छेद है। कहता है कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, किस आधार पर, किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो बताएगा इसका आंसर, कमेंट कर दीजिएगा सभी लोग, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। चलिए आगे देखिए 44 का आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है, बताएगा जल्दी जल्दी, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 233 में अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय का प्रावधान है, अनुच्छेद 233 में। चलिए आगे चलते हैं, कहता है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, भारतीय न्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत करता है। 46 में कहता है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा, कहता है कि कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत अधिवेशनों के 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। ठीक है, राष्ट्रपति का पद 6 महीने के अंदर भरना होगा, ये कहता है अनुच्छेद 46 का आंसर हो जाएगा 85, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत 6 महीने से ज़्यादा गैपिंग नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए झारखंड पुलिस, आइए 47 में कहता है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, ये बताना है। 47 का हो जाएगा ए, 47 का ए, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत भंग कर सकता है, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत, आंसर 1 नंबर हो जाएगा इसका। चलिए आइए 48 में कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण, ये सब बता देते, अनुच्छेद 48 हो जाएगा। चलिए ये सब बताने का जरूरत नहीं, बहुत बार बता चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं 49 में कहता है कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी मनपसंद शिक्षा संस्थाओं का स्थापना या परिचालन का अधिकार, आपको पता होगा ये सभी ग्रुप डिस्कशन में करवा दिया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत अपना मनपसंद शिक्षा संस्थान खोल सकता है, क्योंकि इसमें आपको पता होगा ये सब करवाया हुआ है, ग्रुप डिस्कशन में बहुत बार करवा दिए हैं अनुच्छेद सारा, अपना मनपसंद कोई संस्थान खोल सकता है अनुच्छेद 29 के तहत। ठीक है, कोई भी मनपसंद अपना शिक्षा या संस्थान खोलेगा तो वो खोल सकता है अनुच्छेद 29 और 30 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 29 और 30 के तहत। चलिए आगे चलते हैं 50 में कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। ठीक है, मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास जो करेगा, इसका आंसर 50 का बताइएगा, आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 350 के अंतर्गत। ठीक है, 350 के अंतर्गत करेगा। चलिए आगे चलते हैं 51 में कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, ये सभी करवाया हुआ क्वेश्चन। चलिए ये सब बता दीजिएगा आपको, अनुच्छेद 48(1) में किया गया है। ठीक है, 48(1) में, अनुच्छेद 48(1) में सारा प्रावधान किया गया है। चलिए अनुच्छेद 48(1) में, और 48 में, सिर्फ 48 में कहा गया कृषि। ठीक है, 48 में ये कृषि एवं पशुपालन संगठन, कृषि एवं पशुपालन संगठन अनुच्छेद 48 में सिर्फ किया गया है। कृषि एवं पशुपालन संगठन अनुच्छेद 48 में किया गया है। चलिए, और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के, अनुच्छेद 21 में, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में किया गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। चलिए आइए आगे, 52 में कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, सॉरी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इसमें बताइएगा 52 का आंसर। 52 का आंसर हो जाएगा 338 के 1 में, 338 के 1 में किया गया है। ठीक है, 338 के 1 में किया गया है प्रावधान। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास है? इसमें बताना है आप लोगों को, आंसर कमेंट करिएगा। बताएगा 53 का आंसर क्या हो जाएगा? 53 का हो जाएगा अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 में कहा था किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, तो अनुच्छेद 248 में कहा गया है। चलिए 54 में कहा था कि भारतीय संविधान के अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधित थे, तो बताए थे 17 में, अस्पृश्यताकांत, उपाध्यायकांत 18 में, लोक नियोजन 15 में, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव अनुच्छेद 15 में किया गया है। आइए आगे, कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसमें बताना है, बताइएगा अनुच्छेद, इसका अनुच्छेद होगा 255 के तहत, सॉरी 245 के तहत करता है। ठीक है, हाँ, 245 के तहत राज्य या विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानून पर प्राथमिकता करता है कौन? संविधान, अनुच्छेद 245। चलिए आगे, 56 का आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्य की चर्चा बताएगा अनुच्छेद किस में? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य बताएगा 51 के कितना, 51 के क में, मौलिक कर्तव्य 51 के क में किया गया है। चलिए आगे बताइएगा आप लोग। 57 में कहता है, 57 में कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, जिनका प्रयोग वह स्वयं अपने न्यायाधीश अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 हो जाएगा। 52 में राष्ट्रपति, 54 में निर्वाचन। चलिए आगे चलते हैं। आगे 58 में कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति पर राज्यों की रक्षा करेगा? ठीक है, रक्षा करेगा। आपको पता होगा आपातकाल 3 प्रकार का होता है, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और राजकीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रपति शासन 3 प्रकार का होता है ये आपातकाल की घोषणा, जो कि वित्तीय आपातकाल अभी तक 0 बार लगा है। चलिए 58 का हो जाएगा, 58 का आंसर बताएगा, 58 का अनुच्छेद 255 होगा। ठीक है, कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति पर राज्यों की रक्षा करेगा? चलिए 59 में कहता है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? कहता है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित किस अनुच्छेद में भारत के संविधान के किस अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल ना पड़े, तो उसका बताएगा अनुच्छेद हो जाएगा 59 का आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 258 के तहत प्रयोग करेगा तो उसमें कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, अनुच्छेद 258। आइए क्वेश्चन 60 का आता है कि जम्मू कश्मीर को कौन सा धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया है, जम्मू कश्मीर के कौन सा धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया था, ठीक है बताएगा अनुच्छेद 370 समाप्त हो गया अनुच्छेद 370। और जम्मू कश्मीर का परिसीमन जो किया था रंजना प्रकाश देसाई आयोग ने किया था, जम्मू कश्मीर का परिसीमन वही किया था रंजना प्रकाश देसाई आयोग। चलिए आगे चलते हैं 61, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया, अनुच्छेद किसमें नागालैंड का है, आपको पता होगा 371 के काम में नागालैंड के लिए प्रावधान किया गया अनुच्छेद 371 में। चलिए 62 का आता है अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा दिया गया है, तो 370 जम्मू कश्मीर को दिया गया है, ठीक है। देखिए ये सब क्वेश्चन सारा प्रीवियस क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, आगे कहता है कि अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है, तो आपको पता होगा राष्ट्रपति शासन से संबंधित है 356 360 वित्तीय आपातकाल। आइए आगे कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपना स्वार्थ में किया है, ठीक है। एक बार और पढ़ देते हैं, क्वेश्चन लंबा है कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर या बाहर सर्वाधिक हुआ है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है, तो अनुच्छेद इसका हो जाएगा अनुच्छेद 356 चलिए देखिए क्वेश्चन है आरआरबी 2014 कहता है संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है, संविधान संशोधन कौन किसके अंतर्गत कर सकता है, संसद आपको पता होगा 368 के तहत कर सकता है संविधान संशोधन। चलिए 66 में कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किया गया, ये भी क्वेश्चन एक ही है 368 में। इधर सारा क्वेश्चन देखिएगा पूछा क्वेश्चन मिलेगा, बीपीएससी का है एमपीपीएससी का सब क्वेश्चन है। कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, आपको पता होगा हिंदी भाषा को राजभाषा की दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आपको पता होगा 343 के 1 में, 343 के 1 में किया गया। चलिए 68 में कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है, वित्तीय आपातकाल बता दिए थे, वित्तीय आपातकाल 360 अभी वित्तीय आपातकाल अभी एक बार नहीं लगा है और 3 बार आपातकाल 3 बार 1962 71 75। चलिए 69 में कहता है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग बता होगा 74 में किया गया, अनुच्छेद 74। चलिए 70 में 70 क्वेश्चन है, 70वां कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा पर लागू करेगा, ठीक है। कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा पर लागू करेगा, अनुच्छेद बताएगा इसका आंसर हो जाएगा 70 का हो जाएगा कौन 70 का हो जाएगा इसका आंसर 70 का हो जाएगा अनुच्छेद 350 के 1 में, ठीक है। मातृभाषा का प्रयोग 350 के 1 में किया गया है, ठीक है। चलिए 71 में कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है, राष्ट्रपति आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, वित्तीय आपातकाल 360 के अंतर्गत। चलिए 72 कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, राष्ट्रपति शासन जो लागू किया जाता है इसमें डायरेक्ट अनुच्छेद 368 के तहत कुछ नहीं देखना है 367 देखना है। चलिए 75 में देखिएगा पूछा गया क्वेश्चन है, आईएएस का क्वेश्चन है। कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है, वो बताना है। 73 का आंसर हो जाएगा 338 के एक में। अगला बार वो आगे भी पूछा गया था क्वेश्चन, 368 के एक हो जाएगा। चलिए 74 में, 74 आ जाइए। कहता है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन से संबंधित है अनुच्छेद। इसमें 74 का आंसर हो जाएगा, 74 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन से संबंधित अनुच्छेद 51। चलिए 75 का आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है? ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है? लोक सेवाओं का संरक्षण जो प्रदान किया गया है वो अनुच्छेद 311 के अंतर्गत, 311 के अंतर्गत, 311 के अंतर्गत। चलिए आइए 76 का आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान, संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? बताएगा संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्य सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 76 का बताना है। 76 का आंसर क्या होगा? 315, 315 हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? 315 में किया गया है। चलिए आइए, कहता है संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 312 जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? 77 का बताएगा, 77 का किससे संबंधित है? तो अखिल भारतीय सेवाओं से, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। 78 कहता है संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 332 में, 320 में किया गया है। 320 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 320। ठीक है, 320। चलिए आइए 79 में कहता है कि किस अनुच्छेद के अधीन निर्वाचनों का परीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करने के लिए सर्वोच्च आयोग की स्थापना की गई है? सर्वोच्च आयोग की स्थापना की गई है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? बताना। सर्वोच्च आयोग की स्थापना अनुच्छेद 324, 324 हो जाएगा। चलिए आइए 80 में देखते हैं। कहता है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व हेतु प्रावधान है? बताएगा संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व हेतु प्रावधान किया गया है? बताएगा 80 का आंसर बताएगा। 80 का हो जाएगा 331 में किया गया है। 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान 331 में। आइए 81 में कहता है कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी एवं तथा देवनागरी, संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी, ये भी बताए थे 343 में किया गया एक में। चलिए 82 कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशन किया गया? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशन किसमें किया गया? ये भी 82 के भी बता दिए थे, अनुच्छेद 343 में ही हो जाएगा। चलिए आगे चलते। कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280, वित्त आयोग 280, वित्त आयोग 280। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि संपत्ति के अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया था। संपत्ति का अधिकार ये संवैधानिक अधिकार 300 के एक में कर दिया इसको, ये सब बता दिए थे। चलिए 85 कहता है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है। समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है, वो कहाँ से कहाँ तक है? तो आपको पता होगा, ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच तक है। 14 से 18 के बीच, 14 से 18 के बीच, 14 में तो परिभाषा है। हाँ, मतलब सभी को समान कानून होगा, सभी के लिए समान कानून है। और 15 में आपको बताए थे, 15 में बता दिए थे, 16, 17 सब बता दिए थे। 18 भी उपाधियोकांत 18, और 17 में अस्पृश्यताकांत, 16 में नोक नियोजन, और 15 में जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव। ठीक है, तो समानता का अधिकार हो जाएगा 14 से 18 तक। आइए 86 में कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। संविधान के कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है। 86 में बताना 86 का आंसर कौन हो जाएगा। 86 का अनुच्छेद 371। कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान है, तो अनुच्छेद 371। चलिए आइए, कहता है 87 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 347 और भारत शासन अधिनियम 335 आदि के निरसन का स्पष्ट प्रावधान है। ठीक है, किसमें? कहता है भारत, कहता है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 के 35 आदि के निरसन का स्पष्ट प्रावधान किसमें किया गया है? बताएगा, इसमें किया गया 395 में। 395 और जिस समय अनुच्छेद लागू होता है टोटल 300, जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद था। देखिए, कहता है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? फिर से एक बार बड़ा है पढ़ देते हैं। कहता है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के किसी राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति देगा? तो बताना है, उसमें अनुच्छेद हो जाएगा 223। 223 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और राज्यपाल 213 के अंतर्गत। चलिए आगे, कहता है कि केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? बताना है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 56 से 63। अनुच्छेद 56 से 63। आइए 90 का आता है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा, ये बता देते हैं 351 में। चलिए 51 में देखिए आईएएस का क्वेश्चन है, कितना लंबा चौड़ा। कहता है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में उपलब्ध है। ठीक है, निम्नलिखित में फिर से बोलते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपलब्ध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चों को किसी कल कारखाने में काम कराने के लिए नियोजित नहीं होगा? ठीक है, यह अनुच्छेद बताना है। ये भी बताए थे, अनुच्छेद 24 में किया गया ऐसा प्रावधान, बलात् श्रम। ओहो, एक सेकेंड, 90 हो गया था। चलिए आइए 92 में। 92 कहता है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करेगा। ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, संघ का कर्तव्य होगा कि बाह्य और आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करेगा। बताना है अनुच्छेद, इसमें 92 का आंसर हो जाएगा डी 355। चलिए 93 का था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? बताएगा, फिर से एक बार, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह करता अनुच्छेद 252। ठीक है, और संसद आपको बताते हैं, संसद 69 का इसका अर्थ करने का सरला, 100 से संसद और र से राज्यसभा और लोकसभा, सब 79, 80, 81। देखिएगा, दो गौर है। कहता है गुजरात में विधानसभा के चुनाव को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय, क्वेश्चन भी लिखता है इतना बड़ा बड़ा, फिर एक बार फिर से सुनिएगा। कहता है गुजरात में विधानसभा के चुनाव को, ये 2022 का है, ठीक है। गुजरात में विधानसभा के चुनाव को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करेगा, ठीक है, ये बताना है। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। ये हमको भी नहीं समझ में आया, 2-3 बार पढ़े थे। चलिए, कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया। अनुच्छेद 17 में आपको पता होगा अस्पृश्यता का उन्मूलन, ठीक है, अनुच्छेद 17 किया गया। चलिए 96 कहता है, 96 कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत संगठन का निर्देशन देता है। ग्राम पंचायत 40 हो जाएगा। चलिए 97 कहता है कि भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भाग में बांटा गया है। भारतीय संविधान के मूल संविधान को बताएगा, भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में बांटा गया, आपको पता होगा 22 भाग में, 22 भाग 22। चलिए थोड़ा सा देख लीजिए। 98 कहता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है, 22 भाग, ठीक है, 22 भाग है। कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा किया गया कि इंडिया तथा भारत एक राज्यों का संघ है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। 100 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा अनुमूलन नहीं है, तो आपको इसमें बता दिए थे, सारा बता दिए थे, समानता सही है, उसके बाद उपाधियों का सम्मान ये गलत है, ठीक है, इसमें देख लीजिए। 100 नंबर में ये सी गलत हो जाएगा। लोक नियोजन, सभी लोक नियोजन सही है, ये सही है, और 18 में शैक्षणिक उपाधि की सही है, और अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17 में है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और आपको अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल पर नहीं होंगे तो जरूर करिएगा। और अभी फिलहाल ग्रुप डिस्कशन बंद है, क्योंकि बिहार सिर्फ मामला अभी पता होगा सभी को, नेट नहीं चल रहा है वहाँ से, 31 तारीख से नहीं चल रहा है और अभी तक नहीं चालू हुआ है। चलिए ग्रुप डिस्कशन इसीलिए बंद है, और अभी हम जो वीडियो डालते हैं वो फिलहाल दूसरे जगह से आकर डालते हैं, क्योंकि नेटवर्क वहीं नहीं चलता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलिए उसके लिए जय हिंद, जय भारत आप सभी के लिए, और आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।